दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर, वेलकम टू फिजियो लेक्चर। अब लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि जेनु वाल्गम और वारम होता क्या है, तो आज मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो नॉक नी करेक्शन के लिए होंगी। अब नॉक नी मतलब जेनु वाल्गम। जेनु वाल्गम में क्या होता है कि जो एबडक्टर्स और एक्सटर्नल रोटेटर मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और एडक्टर्स एंड इंटरनल रोटेटर्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो सबसे पहले टाइट मसल्स को स्ट्रेच करना है और सेकंड की वीक मसल्स को स्ट्रेंथ करना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है बटरफ्लाई स्ट्रेच। इस तरह से बैठ जाना है, बैक स्ट्रेट और इस तरह से मूवमेंट करनी है। तो ये जो है फर्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई स्ट्रेच। इसमें एडक्टर्स जो है उनकी स्ट्रेचिंग होगी बटरफ्लाई स्ट्रेच में। तो ये मूवमेंट जो है एक मिनट तक करनी है। अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है कि इस तरह से आपको पहले बैठ जाना है, फिर इस तरह से जो है आगे जाना है। तो इसमें आपके एडक्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेच होंगे। सबसे पहले इस तरह से बैठ गए स्ट्रेट, फिर धीरे धीरे जाना है। अगर पूरा नहीं जा पाते हो तो जितना जा पाते हो उतना ही जाना है। तो ये थे फर्स्ट दो एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी स्ट्रेचिंग के लिए ही है। तो उसमें इस तरह से जो है पूरे बैठ जाना है। तो आपका यहाँ से जो है एडक्टर जो है वो स्ट्रेच होंगे। फिर अगर मॉडिफाई आगे और करना है तो दोनों हाथ ऐसे ले जाओ। तो ये था एडक्टर्स जो है इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेच होंगे। अब इसी तरह से जो है वो दूसरी साइड पे करना है इस तरह से। तो ये थी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट जो है वो लेट के करना है, लेट के इंटरनल रोटेटर स्ट्रेच। नेक्स्ट जो है उसमें इंटरनल रोटेटर्स की स्ट्रेचिंग करनी है। तो सबसे पहले इस तरह से जो है रखोगे आप पैर, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, फिर उसके बाद जो है इस तरह से स्ट्रेच करोगे। इसमें आपका पायरीफॉर्मिस जो है वो स्ट्रेच होगा, पायरीफॉर्मिस मसल। यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। तो एक ये वाली जो है ये भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। अब ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी। अब उसके बाद जो है स्ट्रेंथनिंग आएंगी। सबसे पहले जो है वो है क्लैमशेल। क्लैमशेल में पहले इस तरह से लेट जाना है, दोनों पैर ऐसे रखने हैं, फिर क्या करना है स्लोली ऐसे ओपन करना है। ये जो है इसे क्लैमशेल बोलते हैं। अब अगर स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है, फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए यहाँ पे जो है थेरा बैंड बांध सकते हैं, और फिर उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस ऐड होगा। तो ये थी एक एक्सरसाइज क्लैमशेल। इसके बाद जो है वो स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेस है, खड़े होके करनी है। अब जो है खड़े होके एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें सबसे पहले जो है स्क्वाट। अब स्क्वाट में क्या करना है, पैर जो दोनों है उसमें डिस्टेंस होना चाहिए, और जो टोस है वो बाहर की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए, ऐसे अंदर की तरफ नहीं। फिर जो है इस तरह से जो नीचे आना है स्क्वाट में, ध्यान रखना है कि ये जो है नीज वो टोस के आगे नहीं जाने चाहिए, और ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो जो है ग्राउंड को पैरेलल होना चाहिए। तो ये वाला जो है स्क्वाट, हिंज स्क्वाट जो है इस तरह से करना है। अगर साइड से देखो तो शायद उसमें आपको ज्यादा पता लगेगा, इस तरह से जो है ये स्क्वाट करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है टेम्पल पोज। अब टेम्पल पोज में क्या करना है, दोनों जो पैर है इस तरह से बाहर की तरफ लेके जाने हैं, और
इस तरह से जो है पूरा कोर्स करना है। तो एक ये एक्सरसाइज हो गई इस तरह से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, साइड वॉक। अब साइड वॉक में जो है स्लाइटली ऐसे बेंड हो जाना है इस तरह से, फिर उसके बाद ये इस तरह से साइड वॉक करना है। अब ये साइड वॉक में बाद में रेजिस्टेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंट बैंड बांध सकते हैं, पर वो जो है प्रोग्रेशन में आएगा। अब ये इतनी एक्सरसाइज थी, उसके बाद जो है काफ मसल्स के लिए भी साथ में इसमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसमें इस तरह से काफ रेज। तो ये जो थी ये सारी एक्सरसाइज इस तरह से जो नॉक नीस होता है उसके लिए थी ये सारी एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने देखा कि जो एबडक्टस मसल्स हैं और एक्सटर्नल रोटेट करवाते हैं वो मसल वीक हो जाते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, और जो इंटरनल रोटेटर्स और एडक्टस मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से इस तरह से नी हो जाता है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जिसमें नॉक नी को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेशन में बता सकते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक बताना हो तो वो भी कमेंट सेशन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।